अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करेंगे रोड शो। कोरोना डेल्टा वेरिएंट का कहर, 40% लोगों में मिले कोरोना के नए म्यूटेंट। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में ठंड से आफत, कोहरे से लोगों की बढ़ी परेशानी। देहरादून में खुले में प्लास्टिक कचरा जलाने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना, प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चुनावी साल में उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो हरिद्वार में सबसे पहले पत्रकारों से बातचीत करेंगे, इसके बाद केजरीवाल रोड शो भी करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, यही वजह है कि राष्ट्रीय दलों के दिग्गज उत्तराखंड में आकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 17 नवंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर थे। उन्होंने ऐलान किया था कि कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब सीएम अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच गए हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोड शो का कार्यक्रम है। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस बार के उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी हाथ आजमा रही है और ये दम भर रही है कि इस बार सीटें जीतेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चुनावी साल में उत्तराखंड के दौरे पर है। वो हरिद्वार में सबसे पहले पत्रकारों से बातचीत करेंगे और इसके बाद केजरीवाल रोड शो भी करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरगर्मियां तेज हैं। राष्ट्रीय दलों के दिग्गज उत्तराखंड में आकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 17 नवंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर थे और लगातार दौरों का जो दौर है सभी दलों के जो मुखिया है वो कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। और शुभम, आपके पास क्या कुछ जानकारी है अरविंद केजरीवाल के दौरे से संबंधित? जी बिल्कुल, आपको बता दो, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड का चुनाव नजदीक है, सभी पार्टी के जो बड़े नेता है आला उत्तराखंड का दौरा करें, उसी कड़ी में दूसरी बार देखा गया है कि आम आदमी पार्टी से जो है इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने पहले देहरादून और इस समय हरिद्वार का रुख किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद अपनी जो है नेतृत्व की सरकार उत्तराखंड में बनाने की चाह में है और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को लुभा रही है, नई नई स्कीमें दे रही है, नई नई जो गारंटी है या योजनाएं दे रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का इस बार का दौरा हरिद्वार में लगा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 70 विधानसभा उसको लेके और साथ ही साथ नई योजनाओं के साथ हरिद्वार के लोगों को भी लुभाने के लुत्फ में इस तरीके से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो लोगों का आकलन और कहना है कि सरकार यहाँ बदलेगी, बीजेपी सरकार से लोग यहाँ परेशान है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, तो उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी अपना अब हाथ अजमाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं नई बातें और नए योजनाओं के साथ फिर चुनाव मोड पर दिखाई दे रही थी। जी शुभम, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर है तो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है? यहाँ पर है लगातार जो है रोड शो की अब तैयारी चल रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जो अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एयरपोर्ट जौलीगंज में प्रवेश किया तो वहाँ पे जो है उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया और उसी के साथ उनको जो है वहाँ से एयरपोर्ट से जो हरिद्वार की तरफ लाए हैं। और साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल है जो उनका कहना है क्योंकि उनके साथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट दावेदार है कर्नल अजय कोठियाल, उनका भी कहना यह है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से तानाशाही और सरकारों ने यहाँ पे चाहे बात करें बीजेपी के कांग्रेस की करे उन्होंने कर दी थी, तो उस तानाशाही को खत्म करने के लिए जो है आम आदमी पार्टी ने अब उत्तराखंड में भी अपने पैर जमा दिया। कहीं ना कहीं उनका कहना यह है कि आने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़े थे।
लक्सर विकास खंड के भोगपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर ये पदयात्रा निकाली जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि धान खरीद केंद्रों पर किसानों के धान को किसी बहाने से रिजेक्ट किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ है। ये किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वहाँ यहाँ तक कि उनके अपने ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है, धान रिजेक्ट किया जा रहा है खरीद केंद्रों पर किसी न किसी बहाने, तो ये सब अत्याचार के खिलाफ, इस सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ ये कांग्रेस की पदयात्रा है। उत्तराखंड में पिछले दो महीनों के दौरान सामने आए कोरोना के मामलों में 60% मरीज डेल्टा वेरिएंट के मिले हैं, जबकि 40% मरीज में कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन पाए गए हैं। हालांकि टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्थिति में ट्रांसमिशन बेहद कम हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले दो महीनों में राज्य के सभी जिलों से 400 से करीब सैंपल जांच के लिए देश की विभिन्न लैबों में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। बता दें कि विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन 400 सैंपलों में से 250 में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने गए डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं, जबकि अन्य 40% सैंपलों में सामान्य कोरोना वायरस के साथ ही वायरस के नए म्यूटेशन AY सीरीज का संक्रमण मिला है। विदित है कि कोरोना वायरस में बहुत तेजी से म्यूटेशन हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए कपाट के बाद अब इस अवसर पर बद्रीनाथ पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश ने बद्रीनाथ मंदिर को 20 क्विंटल विभिन्न गेंदा फूल, कमल आदि फूलों और पत्तियों से सजाया है। इस साल में यात्रा करने वाले जो बद्रीनाथ पहुंचे हैं उनकी कुल तीर्थ यात्रियों की संख्या 1,97,056 रही। वहीं कल 4,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किया। भगवान के श्री का पापाट अभी अभी कुछ देर पहले बंद हुए हैं और ये मुहूर्त विजयादशमी के दिन बद्रिकाश्रम के विद्वानों के बीच में, हक हकूकधारियों के बीच में, तीर्थ यात्रियों के बीच में, महात्माओं के बीच में बैठ के तय किया जाता है। मुहूर्त तय हुआ 20 नवंबर का। 5 दिन पूर्व से पंच पूजाएं प्रारंभ होती हैं, आज 5वां दिन था। आज प्रभात में भगवान फूलों के श्रृंगार में थे। आज न तो कोई हीरे के हार, न सोने के मुकुट, न मोतियाँ, न चांदी, सब कुछ फूलों का। बस सायंकालीन पूजाएं प्रारंभ हुई लगभग 4 बजे से और ठीक 5:30 बजे तय मुहूर्त पर महालक्ष्मी जी भगवान के मंदिर में आई हैं। परंपरा अनुसार श्रीमान रावल जी ने और स्त्री वेश धारण किया, सखी बने, सखी बन के और गोद में लक्ष्मी जी को लेके भगवान। चमोली के थराली विकास खंड दूरस्थ क्षेत्र सोलपट्टी के गुप्तारा तोक में कुपवाड़ा में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अपने साहस और वीरता के लिए शौर्य चक्र विजेता सुरेंद्र सिंह फसवीप का घर है, जिसका गांव आज भी सुख सुविधाओं और विकास के लिए तरस रहा है, जबकि बारिश के मौसम में गधेरे को आर पार कर आवागमन करना एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं होता है, क्योंकि हर बारिश में यहां लकड़ी का पुल बह जाता है और तब दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाते हैं। 5-6 गांवों को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है और बीच में है गुप्तारा नामक एक तोक है, वहां हमारे शौर्य चक्र विजेता जी का घर भी है। तो वहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, हम तो यहीं के वासिंदे हैं, हमेशा आते जाते हैं, तो लकड़ी के पुल से आज तक ही वहाँ पे काम चला हुआ है। शासन प्रशासन को एक दो बार दिया गया है, पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, पुल की मांग की गई है, लेकिन कुल मिलाकर के क्या है, शासन प्रशासन की अनदेखियाँ बहुत ज़्यादा है, अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में। आज भी वहाँ पे इतने गाँव के लोग आवागमन करते हैं तो कोई व्यवस्था वहां पे आने जाने की है नहीं, दो लकड़ी के डंडों में काम चलता।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाल ने प्रदेश में लगातार चौथी बार अपनी बादशाहत को कायम रखा, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण में मुनि की रेती ने प्रदेश में पहला और देश में 11वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मुनि की रेती को 20 से 25,000 की पॉपुलेशन के लिए गार्बेज फ्री रेटिंग में भी स्टार मिला है। नगर पालिका परिषद मुनि रेती ढालवाला विगत कई वर्षों से स्वच्छता के क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है और पहले भी 3 बार जो है नगर पालिका परिषद को यहाँ पर राज्य में प्रथम स्थान मिला है और राज्य सरकार द्वारा जो है इसको 3 बार पुरस्कृत भी कर लिया गया है। और निश्चित रूप से ही जो नगर पालिका ने कार्य किए हैं वो पूरी जनता को विश्वास में लेके किए हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी सभासदगण हैं, सभी ने जो है पालिका को इसमें सहयोग किया है और खासकर जो है हमारे सचिव साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका भी समय समय पर जो है इस पालिका को। उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में 21 नवंबर और 22 नवंबर यानी कि रविवार और सोमवार को फिर से कोहरे से परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के इलाकों में उथला और सामान्य कोहरा छाने का अनुमान लगाया है। सुबह और रात के समय इससे वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देहरादून में भी सुबह और रात के समय आबादी से दूर मैदानी इलाकों में कोहरा छाने का अनुमान है। तो कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है जिससे स्थानीय लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, जो कोहरे की समस्या बताई जा रही है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है स्थानीय लोगों को? जी बिल्कुल, आपको बताओ जिस तरीके से दिवाली के बाद से लगातार मौसम में जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसी को देखते हुए दिन और शाम के टाइम लगातार यहाँ पर ठंडा बढ़ता जा रहा है। बात करें कोहरे की तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है उनमें लगातार शाम के बाद कोहरे की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते जो है जो पहाड़ों में गाड़ियां चलती है या बात करूँ जो रात को जो पर्यटक या टूरिस्ट जो अपने घर को या पर्यटक जो अपने स्थलों पे जा रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोडों पे जो है बिल्कुल ही अंधकार छा जाता है, सफेद चद्दर लग जाती है कोहरे की, जिससे आवाजाही में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से प्रशासन की बात करूँ तो शासन प्रशासन अलर्ट पे है, लगातार जो है पुलिस अपना काम कर रही है, जगह जगह पे लगी है और लोगों को जो है इत्तला कर रही है कि आराम से चला जाए, पहाड़ी क्षेत्रों को संभल के चलाया जाए गाड़ी। जी से ठंड बढ़ने के भी अनुमान जताए गए हैं और पॉल्यूशन की वजह से भी धुंध छाई रहती है, तो पॉल्यूशन के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से बात करूँ कि दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन रेट जो है उत्तराखंड या देहरादून में बात करूँ मेन सिटी में तो उसे बढ़ता हुआ देखा गया है। जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें देखा जा रहा है कि लगातार वहाँ पर जो है कोहरे की समस्या है और ठंड की समस्या बढ़ रही है, लोगों को जो है अपना जीवन जो है अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, तो उसको देखते हुए लोगों ने अब अलाव का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। बात करूँ अगर पहाड़ी क्षेत्रों की या बात करूँ अगर पहाड़ में चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या मसूरी की, तो लगातार यहाँ पर जो पर्यटक भी आ रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से पर्यटक आ रहे हैं तो यहाँ पे जो लोग हैं अपने अलाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, साथ ही साथ जब ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं समस्या का सामना, क्योंकि ठंड में जो है लोग जिस तरीके से बाहर निकलते हैं या जैसे गर्मी और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जो यहाँ पर पहाड़ों में जो सप्लाई आती है चाहे वो दूध की हो, सब्जी की हो या किसी भी अन्य प्रकार की हो, तो कोहरे की समस्या के चलते हुए वो हमेशा देर रहती है, उसको देखते हुए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़े हुए थे। जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने और सरकार की नीतियों योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बोंगीधार में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को लाभान्वित किया गया, साथ ही लोगों को विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी और उनकी समस्याओं को प्राप्त करते हुए निस्तारण किया गया। हमारा जो पौड़ी जिले का सबसे सुदूर क्षेत्र है बोंगीधार, इसमें आज हजारों लोग जो है इस शिविर में आए थे और सैकड़ों लोगों के जो है समाधान भी हुए काम के, विकलांग सर्टिफिकेट बने हैं, किसी का कृषि का प्रमाण पत्र बना है, किसी का जो है हर विभागों के काम हुए हैं और आज हमने यहाँ पे महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया है।
दशहरी कल्याण किट का भी वितरण किया है, साइलेज का भी वितरण किया है। ऋषिकेश में कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत बूथ पदाधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, जिसके लिए ऋषिकेश में बूथ पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली कांग्रेस की एक टीम पहुंची। टीम के सदस्यों ने भारत माता मंदिर के सभागार में पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए कुछ टिप्स दिए, जिसके सहारे कांग्रेस मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो सके। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर होना जा रहा है। अभी लगभग 36 विधानसभाओं में हो गया। आज ऋषिकेश में ये कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर श्री भरत मंदिर परिसर में चल रहा है और ये एक दिवसीय शिविर है। इसमें दिल्ली की टीम आकर बूथ स्तर पर किस तरह से मैनेजमेंट करना है, ये इससे पूर्व में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में और दीपिका पांडे जी जो पूरा प्रशिक्षण को देख रही हैं इस कार्यक्रम को, उनके देख रेख में जो एक प्रशिक्षण हो रहा है, इसमें बूथ का जो कार्यकर्ता है, बूथ का जो BLA है, बूथ का जो अध्यक्ष है, वो उन दोनों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और वो बूथ स्तर पर ट्रेनिंग लेकर बूथों पर जाकर सिर्फ अपने बूथों पर बैठकर लोगों को कांग्रेस। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।